खबर चुरू से है, जहां गैंगस्टर संपत नेहरा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर से राजगढ़ के प्रतिष्ठित व्यापारी से गत दिनों 1 करोड़ की फिरौती मांगने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूछताछ की गई। थानाधिकारी गुरुभूपेंद्र सिंह ने बताया कि राजगढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जयपुर जेल भेजा गया है। और इधर गैंगस्टर के अधिवक्ता रामनिवास गुर्जर ने बताया कि जिस न्यायालय में मकोका की कार्रवाई विचाराधीन है, उस न्यायालय ने आरोपी को त्वरित विचार के लिए आवश्यक रूप से मांग रखा है। संपन्न नेहरा को सर्वप्रथम राजगढ़ के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ एक प्रकरण है कोई थ्रीट का, धमकी का, उसमें कोई चार्ज लगा है। कोई राजगढ़ का एक मुसलमान था, उसको 2-3 साल पहले आरोप है कि संपत ने इसको धमकी दी थी, तो उस प्रकरण में चार्ज लगा है। दूसरे नीचे एडीजे साहब ने प्रथम में 2 फाइलों में चार्ज लगा है। एक तो सुरेंद्र उर्फ जड़िया वाली फाइल है, मर्डर वाली। दूसरी कोर्ट में घुसकर अजय जैतपुरा की हत्या कर दी गई थी, उस फाइल में भी संपत मुलजिम है। तो इन दोनों फाइलों में, यानी कि 2 एडीजे फर्स्ट की और 1 एसीजेएम सब की फाइलों में